नमस्ते खेडूत मित्रों, मैं हूं कौशिक परमार। स्वागत है आपका फार्म एंड एग्रो इंडस्ट्री में। अब जो आपको मैं बताने वाला हूं, सीबिल कैसे अटैच किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर टिलर का जो इम्प्लीमेंट है, जो अटैचमेंट है मेन अटैचमेंट, वो कैसे अटैच किया जाता है और सीट कैसे अटैच किया जाता है, मल्चिंग का सब पूरा मैं वीडियो आपको मैंने डिटेल में उसको बताया था आपको। और बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सीड ड्रिल इसके ऊपर लगा के आप कैसे अटैच किए कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा अभी सीड ड्रिल का जो भी सामान अभी पड़ा है वो पूरा मैं आपको वीडियो में अभी समझाने वाला हूँ कि कैसे ये सब इम्प्लीमेंट जो है इसको कैसे अटैच किया जाता है, वो अभी मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये जो स्टैंड दिए गए हैं, जो इसके ऊपर सीड ड्रिल आपका अटैच होगा, तो ये जो स्टैंड है इसको पहले आपको यहाँ पर लगाना है। तो दोनों साइड आपको स्टैंड जो है, ये दोनों आपको नट बोल्ट जो दिए गए हैं, ये दोनों साइड ये पहले आपको निकाल देना है। ये नट बोल्ट निकालने के बाद ये स्टैंड आपको दोनों साइड आपको अटैच करना है। इसको पहले यहाँ पे अंदर डाल के आप ये वाला जो स्टैंड है इसको पहले आपको ये वाला जो बोल्ट निकाल के इसको यहाँ पे अटैच करने का है। जैसे दोनों साइड आपको सेम प्रोसेस रहेगी, ये नट निकाल के आपको ये वाला स्टैंड यहाँ पे अटैच करना है और उस तरफ आपको ये वाला नट निकाल के सेम वैसा ही स्टैंड उस तरफ लगाना है। पट्टी आपको दी जाएगी इसके साथ में, ये पट्टी आपको लगानी है इसके सीड ड्रिल के जो नीचे जो सपोर्ट दिए गए दो जो फ्रेम है उसके नीचे यहाँ पे इसको लगाना है। तो ये वाली पट्टी आपको साथ में ही मिलेगी। ये जो दोनों पट्टी है इसको पीछे से इसको इधर लगाना है पहले। तो ये क्या होगा आपका कि इसका जो बैलेंस है फ्रेम का, वो फ्रेम का आपको बैलेंस जो रहेगा इसकी पट्टी की वजह से आपको बैलेंस हो जाएगा। अटैच करने का है तो ये कैसे अटैच किया जाता है, तो पहले इसमें ये वाला जो आपको पिन साथ में दिया है ये दोनों अलग अलग आएगा, आपको जो मिलेगा ये दोनों अलग अलग मिलेगा। तो इसको इसमें अटैच करना है, यहाँ पे इसको लगा के ये जो आपका चक्कर है इसमें लगा के ये नट जो है आपको तो दोनों टाइट कर देना है, ताकि ये चक्कर जो इसमें जो ये चक्का जो दिया गया है तो ये जो राउंड शेप में दिया गया है तो ये घूमेगा, स्लिप नहीं होगा। तो ये दोनों नट बोल आपको टाइट कर देना है और आपको जब मिलेगा तब ये सभी बोल आपको चेक कर लेना है एक बार। और आगे का जो ये दो तीनों नट बोल जो आपको दिए गए हैं ये आपको वहाँ आगे जो जहाँ पे ये सीट का जो फ्रेम है वहाँ पे इसको लगाना है। तो आइए हम देखते हैं अभी इसको कैसे फ्रेम में अटैच करते हैं। ये जो चक्कर है जो यहाँ पर रखना है इसको, ये दोनों के बीच में ये चक्कर आ जाएगा, ये कहीं पर आपको टच नहीं होगा। और ये जो चक्कर की लीस के लिए यहाँ पे एक पट्टी दी गई है और इसको सामने आपको अटैच कर देना है दोनों में। तो दोनों में आपको ये दो नट बोल दिया गया है, पीछे की तरफ आपको ये वॉशर रख के यहाँ से इसको अटैच कर देना है पहले। तो ये चक्कर ये दोनों साइड आपको नट बोल लगा देना है, एक बाहर की तरफ आएगा एक अंदर की तरफ आएगा, जो एक दूसरा जो नट बोल रहेगा ये इस तरफ आएगा। इसमें आपको पहले वॉशर रखना है, ये उस तरफ जो आप लगाते हैं इसमें पहले वॉशर रख के आपको इसको अटैच करना है इसमें।
अभी ये चक्कर जो है ये पूरा अटैच हो गया है, इसको आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसको इधर इस तरफ भी आप स्लिप कर सकते हैं और इस तरफ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी दोनों साइड इसमें स्लॉट दिया गया है, तो चक्कर जो चेन है आपका जो पीछे का चक्का है इसको आप ये लेफ्ट राइट आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में आ जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो अभी जो ये एडजस्टमेंट के लिए ये दोनों साइड जो नट दिया गया है, ये नट जो आपको दोनों साइड इसको पहले फिक्स कर देना है। पहले क्या करना है, दोनों साइड का जो नट है उसको पूरा टाइट कर देना है, ताकि क्या होगा कि ये जो पूरा अटैचमेंट है वो ये लेफ्ट राइट नहीं घूमेगा। ये नहीं घूमेगा तो क्या होगा कि इसको में टच नहीं होगा ये, तो इसको पूरा दोनों साइड आपको पूरा टाइट कर देना है। तो ये उसके वजह से ये चक्का है जो ये घूम पाएगा और कहीं पर टच नहीं होगा। तो ये आपको पहले याद रखना है कि दोनों साइड आपको सेंटर में रख के इसको दोनों नट दोनों साइड आपको पूरा टाइट कर देना है, और ये दोनों नट टाइट करके ये जो चेन यहाँ पे लगा देना है। एक जो चेन आएगा इस तरफ आएगा और दूसरा जो चेन आएगा ये यहाँ से यहाँ ऊपर तक आएगा, जो अभी सीरियल जो ऊपर हम बॉक्स ऊपर अटैच करेंगे तब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ओके, और दूसरा जो ये लास्ट में ये नीचे जो नट दिया गया है ये एग्जस्ट के लिए दिया गया है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप पीछे से पावर टिलर को आपने ऊपर लिया तो साथ में ये चक्का भी आपका इसके साथ ये ऊपर हो जाएगा। तो इसको आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड नट दिया गया है, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड जो नट है पहले ये ऊपर का आपको एडजस्ट करके ये इसको टाइट कर देना है, जितना आपको लेवल रखना है इसको नीचे रखने का है उतना लेवल रख के इसको पूरा टाइट कर देना है, कि हर बार आप पावर टिलर जब घुमाएंगे तब इसको उठाएंगे तो साथ में ये चक्का भी आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये पट्टी भी आपको साथ में आएगी, ये पट्टी जो आपको दी जाएगी ये यहाँ से ऐसे अलग आपको दी जाएगी। ये जो पूरी पट्टी दी गई है इसको नीचे अटैच करना है, ऐसी भी एक आपको पट्टी मिलेगी। ये पट्टी जो आपको लगेगी ये नीचे एक फ्रेम में लगेगी, ये इसको दोनों साइड पट्टी लगी हुई है, इसमें वेल किया गया है, ये आपको क्रॉस में दोनों साइड नट दिया गया है। एक आगे की तरफ से यहाँ से एक नट डालना है आपको, यहाँ पे एक होल दिया गया है, एक साइड में से आपको एक बोल दिया गया है, दोनों साइड लगा देना है। तो आपका ये क्या होगा, पट्टी इधर इधर मूवमेंट नहीं होगा, तो आपको दोनों साइड इसमें नट लगा देना है। ओके, सीट ड्रिल जो है फ्रेम उसके साथ नीचे का जो चक्का जो था वो, और ये इसी का इसका फ्रेम और इसके ऊपर का सीट ड्रिल का बॉक्स जो पूरा अटैच करके मैं अभी हमने आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया है कि कैसे ये अटैच किया जाता है। अभी सिर्फ बाकी रहा है जो ये इसमें चेन जो यहाँ से कनेक्ट होता है डायरेक्टली नीचे, और नीचे से डायरेक्टली यहाँ से एक चेन, इधर से इधर एक चेन लगेगा, और यहाँ से डायरेक्टली चेन एक यहाँ पे लगेगा। ये लॉक निकाल के आप ये चेन को ये लॉक निकाल देना है, इसके बाद यहाँ से आपको मेजर कर लेना है कि इसमें चेन का कितना रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से एक लॉक निकाल के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और दूसरा जो चेन जो लगेगा वो यहाँ से यहाँ पे लगेगा। ये जो चेन लगता है ये यहाँ इसमें जो चेन बचेगा वो वाला चेन आपको यहाँ पे लग जाएगा, तो फिर भी आपका चेन बचेगा वो आपको अपने पास रखना है। कहीं भी समझ लो कोई भी लॉक आपका कहीं भी ख़राब हुआ तो इसमें से आप निकाल के इसमें आप लगा सकते हो। तो ये वाला चेन आपको चेन भी जो कैसे लगाया जाता है वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अभी ये जो लॉक रहता है
ये एक दूसरा एक्स्ट्रा भी आपको लोग दिया गया है, ये इसके लिए लोग जो दिया गया है वो इसके साथ आया है। और दूसरा जो एक्स्ट्रा बोल लो जो बॉक्स अभी मैंने आपको बॉक्स में से जो सामान निकाला था उसमें जो आपको लॉक बताया था वो वाला लॉक आपको या इस वाली चेन में लगा देना है। ओके का कल्टीवेटर है जो ये 5 टाइम्स आपको साथ में दिया जाएगा। आपको इसको 5 भी आप लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी आप लगा सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे आपको रखना है वो आपके फसल के ऊपर की डिपेंड करता है कि आपको कितना इसके बीच में डिस्टेंस रखना है। तो ये जो वाला जो कल्टीवेटर है ये पाइप में आपको लगाना है, तो यहाँ पे समझ लो आपको 1-1 फीट की दूरी पे लगाना है। तो ये पूरा जो आपको पाइप मिलेगा वो 5 फीट का पाइप मिलेगा। अगर आप 1-1 फीट की दूरी पे आप अटैच करते हो तो आपको पूरा 5 टाइम्स का आप यूज़ कर सकोगे। अगर आप 2-2 फीट पे आप उसको इसको अटैच करते हैं तो 3 टाइम्स का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अभी ये लास्ट वॉल में हम लगा के आपको 5ों जो टाइम्स है वो लगा के पूरा हम डिटेल में आपको समझाते हैं। पांचों इसमें स्टैंड्स लगा दिए है। अब इसको यहाँ से यहाँ पे जो सीट जो का पास होते हैं यहाँ से जो पाइप के थ्रू वो पास होते हैं, तो हमने इसके साथ आपको 30 फीट का जो पाइप दिया गया है उसको आप अपने हिसाब से इसको पहले मेजर कर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ पे पाइप मेजर करके वो कटिंग करके आपको एक एक करके आपको 5 जो पाइप रहेंगे वो आपको कटिंग कर देना है इसको। तो ये पूरा आपको सेट ये से इस तरह से आपको दिया जाएगा, इसको कटिंग करके अपने हिसाब से आप जरूरत के हिसाब से कटिंग करके इसको लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये नया जो पीस है इसके वजह हमारे पास अभी 3 पीस ऑलरेडी कटिंग करके पड़े हुए हैं। तो अभी ये हम के लगा के आपको बताते हैं कि ये कैसे इसको लगाया जाता है। ये वाला जो पाइप है इसको पहले जो दोनों का जो तीनों जो अंदर का पाइप रहता है वो सेंटर में से आएगा, मतलब यहाँ से आएगा ये वाला जो पाइप है। और जो लास्ट वाला जो लंबा जो पाइप है वो यहाँ पर लगेगा, वो आपको बाहर से लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो बाहर से आपको पाइप लगाना है। अभी ये लंबा है लेकिन आपको कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो पाइप है यहाँ से यहाँ के इसका डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से ही आपको कटिंग करना है। तो अभी जो हमारे फिलहाल हमारे पास जो पीस पड़े थे वो हम अभी आपको अटैच करके अभी दिखा रहे हैं सैंपल के लिए, ताकि आपको पूरा ये पाइप आपको ये कटिंग करके आपको नहीं दिया जाएगा, पूरा 30 फीट का लंबा पाइप आपको दिया जाएगा। इसमें से आपको इस तरह से आपको कटिंग करके इसको रखना है। ये दोनों साइड के एक-एक पाइप और इसमें 7 टाइम्स दिए गए हैं, तो आप इसमें से 5 टाइम्स ही आपको यूज करना है। जो रोटर है ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं आपको फिर वापस में बता देता हूँ आपको। ये 5 प्रकार के रोटर है, 5-5 रोटर जो दिए गए हैं, तो आप कोई भी अपने फसल के हिसाब से आप रोटर उसका यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइड जो आपको ये दोनों नट बोल दिए गए हैं, दोनों साइड जो दिए गए हैं, 2 इस तरफ है 2 इस तरफ है, तो ये किसके लिए आपको ये दिया गया है, ताकि ये सीड ड्रिल जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस आगे और पीछे की तरफ।
अगर ये जो पाइप जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पाइप आपको समझ लो कहीं पे लंबे होते हैं कहीं पे छोटे होते हैं, इसका आपको लेवल करने के लिए या फिर चेन आपका जो है वो थोड़ा लूज़ हो गया है उसको थोड़ा टाइट करना है, तो आपको ये कली जो इसका रहता है चेन का वो निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको थोड़ा सा जो सीड ड्रिल है ये दोनों लूज़ करके थोड़ा आप आगे इसको मूवमेंट कर सकते हैं। ये वाली पट्टी है जो इसके लिए दी गई है, ये वाला जो इसके नीचे जो ये बॉक्स का जो जो पट्टी दी गई है इसमें भी स्लॉट दिया गया है, ये आपको पूरा सीड ड्रिल मूवमेंट करने के लिए दिया गया है कि इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं ताकि ये चेन भी आपका लूज ना हो। और दूसरी बात कि ये पाइप का आपको समझ लो थोड़ा ज़्यादा भी लंबा हो गया तो इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि कैसे सीड ड्रिल अटैच किया जाता है, पूरा मैंने आपको डिटेल में जितना मेरा कोशिश है उतना मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा उसका सोल्यूशन दूंगा। और दूसरी बात कि हमारा जो चैनल है फार्म केयर एग्रो इंडस्ट्री, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।